सो गाइज, ये हमारा लास्ट डे है यवतमाल में. ओके मतलब हमने जो 3 ब्लॉग बनाए थे उसका ये आखिरी वीडियो रहेगा. इसके बाद नागपुर के ब्लॉग अगर आएंगे तो आएंगे, क्योंकि उसकी गारंटी नहीं है. तो ये लास्ट है. अभी कोई मंथन सोडा है यवतमाल में, अभी हम सोडा ट्राई करेंगे. क्यों प्रतीक? हाँ बिल्कुल. और देखेंगे कैसा क्या है, नागपुर से बेटर है या ओके, वो देखेंगे कैसा क्या है. मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक हुआ है. मुझे बोला था सोडा या फिर दिनशास वगैरह जाएंगे हाँ खाने पीने, और बिल्कुल नहीं गए वहाँ पे. ठीक है, यहाँ मंदिर लेके आए हैं और बोल रहे हैं मंदिर भी नहीं जाएंगे, पीछे मस्त गार्डन है, बोले गार्डन घूमेंगे बोले. मेरे को जाना पड़ेगा मेरे को. हाँ तो भाई तो देखते हैं कैसा है गार्डन. गार्डन के कुछ वीडियोस वगैरह भेजता है और ठीक है देखते हैं, क्योंकि खाना पीना तो यार जरूरी अपना है ना. तो मिलता है गार्डन के अंदर. आ जा भाई, यहाँ शू पहन रहा भाई, आगे चलता है कैसा क्या है देखते हैं. एक मिनट, ए इधर देखते हैं कहाँ क्या हो गया. इधर देख क्या लिखा है, फक्त 10 वर्षाल खालील बालकांसाठी आहे, मोठ्यांनी याचा उपयोग करू नये. इसका फोटो लेना, इसका फोटो करू नये. हाँ रोड तो बड़ा ही प्यारा है यार. हाँ ये गाइस यहाँ पे मंदिर है और वहां से हम आए थे. सही है, बढ़िया है, मजा आया. गाइस अभी डैम की तरफ जा रहे हैं भाई, गाड़ी में ही बैठे हैं. हाँ प्रतीक, बिल्कुल जाते हैं, देखते हैं फोटोज वगैरह कैसी है क्या है, वीडियोस वगैरह लेंगे और थोड़ा कंपेयर करेंगे कल के डैम से आज का डैम कैसा है. क्यों शुरू डैम है भाई, डैम इनका डैम ही चल रहा है, पता नहीं क्या है. ठीक है, और देखते हैं वीडियो के एंड में तो सोडा मिल ही जाए. ओके ठीक है, स्टे ट्यून्ड. ओके सो गाइज, थोड़ा डैम जा रहे थे बट एक कैफ़े मिल गया, कैफ़े हमको तो यहीं कुछ जमाते हैं, थोड़ा देखते हैं कैसा क्या है. हाँ क्षितिज क्या बोलता है, क्या बोलने का, क्या बोलता, चलो आओ देखते हैं क्या क्या मिलता है. ओके भाई प्रतीक, एक कोक के लिए आए थे भाई. कोक के लिए आए थे अपन तो, ये क्या हो रहा है इधर, मतलब चोको चिप्स की. ए भाई कोक पे बात हुई थी, अब शेक में कोक आ रहा है. भाई स्वराज खाने में क्या पिज्जा. ए भाई अभी तो खा के आए थे अपन, बट कैफे इज नाइस यार, कैफे इज लिटरली नाइस, कैफे चलेगा. हां ठीक है चलेगा बट मेरा तो उनको योग पे एग्जैक्ट पीछे जो है ना वो देख, एग्जैक्ट पीछे. क्या है सबके शेक्स एंड ऑल. ओके क्या बात है, कौन सा है खंडा ले अपना किटकैट शेक है गाइस, हाँ ये विद आइसक्रीम है, ये कोल्ड कॉफी नहीं, ये कोल्ड कॉफी चोको चिप्स है. नहीं नहीं ये कोल्ड कॉफी है. अच्छा ओके चोको चिप्स थिक शेक. हाँ वो थिक दिख भी रहा है बोलना. हाँ शतेश अरे हो जाए फिर. वेर आर यू नाउ भाई, आ जाओ. लगा खंडा ले बोल सकता है बहुत गाड़ी में रिव्यू मिल जाएगा. अच्छा क्षितिज मन आ गया, और असली वाला नकली में ठीक है शुरू देख सकते हो खत्म हो चुके हैं. ए भाई अच्छा उसकी तो कोल्ड कॉफी थी. एंड मेरा भी किटकैट शेक ही था यार, विद आइसक्रीम था खाने में. मेरे को तो यार आई एम मतलब नॉट सेटिस्फाइड. तुम्हारा क्या है बता देना. नहीं तुम बोल सकते, मतलब अपने ही है. और ये ब्लॉग थोड़ी है फूड स्नैप्स का, ये अपना ही चैनल पे आएगा ना, ये हुई ना बात. अच्छा बोलो, खुल के बोलो भाई. भाई फिर से डैम के रास्ते में रुकावट. डैम हाँ हवा भर रहा है, वो पीछे आपको कार दिख रही होगी भाई. ठीक है वहाँ हवा भर रहा है तो हमने सोचा यार थोड़ी पेट पूजा की जाए. हाँ जबकि अभी कैफे से है. हाँ तो देखते हैं. ओ सिंस क्या पैकेट दिख रहा है मेरे को, तो पूरी लड़ी. तो गाइस मिलता है डैम के साथ. ओके तब तक मैं सामान ले लेता हूँ, डैम में दिखाएंगे क्या क्या है हमारे पास. ये व्हील्स के 11 पैकेट लिए हैं सर, बोले हमारे क्षितिज सर. अच्छा, मैंने लिए. हाँ और ये थम्स अप की 2-2 बॉटल लिए है. हाँ मतलब क्या ही बोले भाई. तो आओ देखते हैं पहनो जा रहा पहनो क्या पहनवा रहा है भाई. तो गाड़ी आ रही है देखते हैं. पहनवाया गया है. ओके
ये WWE बेल्ट के जैसा 11 है गाइस, ठीक है, पूरे 11 है, नीचे तक दिखेंगे आपको। ओके चलो तो देखते हैं, आओ। अच्छा खासा 20 किलोमीटर है ना भाई डैम, मालूम नहीं मुझे क्योंकि कभी गए नहीं। तो देखते हैं, जैसे स्वराज बोल रहा था 20 है, तो देखते हैं कैसा क्या है। ओके मिलता है। जादू कर दिया तेरा बन बैठा है मेरा जिया। क्या बात है गाइस, रोड ही बढ़िया है भाई, एक नंबर रोड है। सो गाइस अभी निकले यार, डैम के तरफ पहुंचा है, क्षितिज भी वीडियो निकाल ही रहा है, बढ़िया है, काफ़ी अच्छा, थोड़ी शांति है तो काफ़ी अच्छा है। अभी ऊपर जाएंगे और देखेंगे कैसा क्या लगता है। और एक गाड़ी ये यहाँ आई है, एक गाड़ी वो क्रूज़र वहाँ आई है, तो आई थिंक ज़्यादा लोग नहीं है। और देखते हैं ऊपर ही, आपको सीढ़ियाँ दिख रही होंगी, ऊपर जाना है जो चढ़ के, तो इसमें चढ़ते हैं और ऊपर का भाई मज़ा लेते हैं कैसा क्या है। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस ऊपर तक आ गए यार, बढ़िया व्यू है। और ये डैम था जिसकी डैम बातें कर रहे थे ये लोग, बढ़िया है, सनसेट में अलग ही मज़ा आता होगा, यहाँ क्लियर दिखता होगा। किलियल बोल किलियल, काटे थोड़े ज़्यादा ही है पर ठीक है। और तीन लेयर दिख रही है, एक से तो हम वहाँ से आए, एक ये बीच वाला रोड है यहाँ सेकंड, और एक तो यही है सीधा वो गेट से आगे आगे आता है, पानी बंद है। तो अच्छा है, बढ़िया है डैम। तो भाई वहाँ ऊपर में डैम है, ठीक है, अच्छा सन का व्यू आ रहा है, हाँ डैम है भाई यहाँ, मस्त नीचे तक आ रहा है भाई पानी, थोड़ा देखते हैं कैसा क्या है। फ्लो तो बहुत ही अच्छा है, बस थोड़ा और सनसेट टाइम आते तो और मज़ा आता, बट ठीक है, बढ़िया है। और रोड थोड़ा अनइवन है, थोड़ा दिक्कत होगी, लेफ्ट राइट होगा वीडियो, बट देखते हैं। तो गाइस यहाँ तक आ चुके हैं, बढ़िया दिख रहा है, एक नंबर रास्ता यार, थोड़ा और अच्छा हो जाता तो मज़ा आ जाती। ये वही रोड है ब्रह्मास्त्र, अगर आपने देखी हो तो वो जो अमृता आती है उसकी मम्मी देवा की, वो ऐसे ही वाला रोड दिखता ही है, बट काफ़ी अच्छा फ्लो है। ये प्रोफेशनल ड्राइवर लग रहा है भैया, हाँ एकदम, कुछ स्कूबा वूबा का कुछ नहीं, हाँ हाँ, ना ऑक्सीजन पंप, ना कुछ, ना कुछ, ना मास्क गॉगल, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस फिशिंग कर रहे। 3, 2, 1 गो। क्या बात है, छोटी सी डाली थी रे, मेरे को लगा बहुत होगी, क्या बात है, क्या, अरे वही तो निकली थी, सुनो तो आज बारपुर कैंसर, ओ भाई, ओ भाई रिस्की, क्या बात है, व्हाट अ व्यू मैन, क्या बात है। वही पानी है जहाँ से अपन आए हैं, ब्रिज पे से जा रहे हैं अभी वापस रिटर्न टू यवतमाल, और देखता है यवतमाल में फिर अब कहाँ जाते हैं। गाइस अभी जा रहे हैं चाचा के घर, सब बढ़िया नहा धो के फ्रेश वगैरह हो गए हैं, चाचा के घर जा रहे हैं, वहाँ का देखेंगे, अगर ऐसा कुछ कंटेंट रहा डालने लायक तो हम डाल लेंगे, नहीं तो देखेंगे। ऐसे मिलने वगैरह जा रहे हैं, मेहनत भी होंगी, बाकी सब लोग भी जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसा क्या है। खूब सो मज़ा है वहाँ पर, और उसके बाद और एक नए रेस्टोरेंट पे हम जाएंगे खाने के लिए, तो वहाँ के आपको क्लिप ज़रूर मिलेंगे, तो देखते हैं कैसा लगता है। ओके तो स्टे ट्यून, मज़ा आए। तो गाइस क्रिस्पी वेज आ गया अपना, सर्व करो बताओ प्रतीक भाई, क्या बात है भाई, मज़ा आएगा।
प्रतीक कुछ कुछ कैसा लग रहा है? वही मैं कहना चाहूंगा, हाँ वृंदावन थोड़ा सा कम अच्छा। ए भाई तुम हर बार वृंदावन का ही कंपैरिजन दोगे क्या? और ये क्या है साथ में? ये है वर्जिन मोहितो। हाँ सही है, बढ़िया। कैसा है? बढ़िया, मतलब नॉर्मल रेगुलर वालों जैसा है कि थोड़ा उनसे अच्छा है? अच्छा। खट्टा ज्यादा है? वो क्या बोलते हैं, स्वीट के तरफ जा रहा है? स्वीट के तरफ जा रहा है। चलो ठीक, कोई ना। अच्छा हमारे तो गाइस ये थम्स अप है, दो दो रखे रखे है, तो बढ़िया है। आगे देखते हैं और क्या आने वाला है। ओके सो गाइस, अभी आखिरी दिन था हमारा यवतमाल में, ये व्लॉग आखिरी व्लॉग था। तो होटल हम कहाँ गए थे भाई? एकवीरा होटल गए थे। पैरा होटल है, काफ़ी अच्छा फूड वगैरह था, मज़ा आया। और अभी कौन से रोड पे अपन? आर्नी रोड पे है ना, ऊंचेगांव वाला, यहाँ से सीधा ऊंचेगांव रोड जाता है। वापस हम वहीं जा रहे हैं। वापस वहीं नहीं जा रहे हैं भाई। ओके तो मज़ा आया, देखते हैं एक ऐसा छोटा सा व्लॉग हमने कोशिश की बनाने की, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बताओ, हम और अलग अलग लोकेशन की बनाएंगे। हाँ अरे भाई रोड पे नहीं रहे हमारे दोस्त लोग भाई, ठीक है? तो आप बताओ, आपको ऐसे व्लॉग्स और अगर देखने हैं तो हम अलग अलग लोकेशंस की बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि फूड स्नैप्स पे तो फूड का कंटेंट आएगा। अगली बार वन ही जाएंगे हम। अगले बार वन ही जाएंगे गाइस। ये जो छोटे छोटे जो अंडररेटेड क्या है, सिटी टाउन, अंडररेटेड नहीं है। ए यवतमाल अंडररेटेड नहीं है, भारतीयों की पावर गाइस। चलो फिर, हाँ मिलता है। ओके प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके चलो मिलता है। ओके okay.